चलिए बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट, जान लेते हैं। अभी तक तो सब ठीक था धनु राशि वालों का, लेकिन 1:30 बजे के बाद कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। पूछे क्यों, तो उसका कारण है, आपका राशि स्वामी है बृहस्पति और आज 1:30 बजे दिन में ये आपके रोग स्थान में पहुंच जाएगा और रोग स्थान में जाते ही आपको पेट संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। खट्टी डकार आना, भोजन का डाइजेस्ट न होना, शरीर में पानी की कमी होना, ये सारी चीजें एक महीने तक आपको सताएंगी, क्योंकि मई महीने में बृहस्पति आपके रोग भाव में ही विराजमान होकर के सेहत बिगाड़ने वाले हैं। पाचन कमजोर रहेगा, एसिडिटी या किसी इन्फेक्शन की भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कभी अल्सर की शिकायत रही हो, मतलब लैटिन से आपके कभी ब्लीडिंग हुई हो, लैटिन करते समय अगर आपके कभी खून आया हो या अल्सर की समस्या रही हो, तब तो आपको मैं बता रहा हूँ ये महीना आपके लिए बहुत डेंजर जोन का महीना है। इस महीने में आपको पूरे महीने सुबह उठ करके कम से कम 100 ग्राम अंकुरित मूंग खाना चाहिए और खाना खाने के पहले कम से कम थोड़ा सा खीरे की सलाद भी खाना चाहिए और गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 14 मई के बाद सूर्य के वृषभ राशि में आने से आपकी सेहत में थोड़ा सा सुधार तो आएगा, सूर्य आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, लेकिन इस महीने आपको किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह के वृषभ राशि में आते ही अर्थात आज 1:30 बजे धनु राशि वालों को ज़्यादा तला हुआ मसालेदार भोजन या बाहर से आर्डर करके मंगाया हुआ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। सेहत के प्रति जितना सजग रहेंगे उतना ही इस महीने आप एक्टिव रहेंगे। अंगारक दोष से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करें, सूर्य की नियमित उपासना करें, सूर्य को नियमित अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और एक बात का ध्यान रखें, भोजन बिल्कुल सात्विक हो, किसी तरह के तामसिक भोजन से आप बचने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।